भारत के लोगों की टू व्हीलर इलेक्ट्रिक स्कूटर में बढ़ती दिलचस्पी से बढ़े डिमांड को पूरा करने के लिए काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरर इस सेक्टर में आए। कुछ तो वेल स्टैब्लिश प्लेयर हैं, चाहे वो बजाज हो, टीवीएस हो, हीरो हो, कुछ अपने काफ़ी बड़े इन्वेस्टमेंट और तगड़े स्कूटर की वजह से काफ़ी पॉपुलर हो गए। बट इन सब के बीच कुछ ऐसी कंपनी भी हैं जो अपनी सीमित रिसोर्स, कड़ी मेहनत से भारत में रह के भारत के लोगों के लिए एक ऐसा मल्टीपर्पज़ व्हीकल तैयार किया है जिसके हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काफ़ी यूज़ ले सकते हैं। यहाँ तक कि छोटे बिजनेसमैन भी इसके मल्टीपर्पज़ होने का फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन अपनी सीमित रिसोर्स और नॉट अप टू ग्रेड मार्केटिंग की वजह से ये हमारे आपकी जानकारी में आ ही नहीं पाते। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे ही इंडियन स्टार्टअप के बारे में बताने वाला हूँ। मेरी आपसे अपील है कि जब भी आप टू व्हीलर इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने का मन बनावें, इन कंपनियों की गाड़ियों को जरूर एक बार देख लें। तो दोस्तों, ये है छोटे बजट का बड़ा धमाका, टॉप 5 लो बजट मल्टीपर्पस इलेक्ट्रिक स्कूटर स्टार्टअप इन इंडिया। तो दोस्तों, नंबर 5 पे है ओजोटेक ईवी। कोयम्बटूर बेस्ड स्टार्टअप की 2 मॉडल मार्केट में अवेलेबल है। पहला है फिलो, दूसरा है भीम। एंड भीम इज द मॉडल जिसकी वजह से मैंने इसको इस काउंटडाउन में रखा है। दोस्तों, भीम एक बहुत ही जबरदस्त स्कूटर है, इट्स अ मल्टीपर्पज स्कूटर। दोस्तों, भीम एक मल्टीपर्पज यूटिलिटी व्हीकल है जिसको आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसके अलग अलग अटैचमेंट को लगा के अलग अलग यूजेज इसका ले सकते हैं, चाहे वो सिंगल सीटर बनाना हो, डबल सीटर बनाना हो, इसमें बेसिक कैरियर लगा के आप इसको यूज़ कर सकते हैं सामान ढोने के लिए, इसमें आप पानी का टैंक ढो सकते हैं, गैस सिलेंडर इससे आप कैरी कर सकते हैं, मिल्क टैंक कैरी कर सकते हैं, इसमें आप फल वगैरह जो है ले जा सकते हैं, अगर खेतों में आपको छिड़काव करना है वहाँ भी ये आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है, इसको डिलीवरी व्हीकल के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ अटैचमेंट हैं जिसको यूज़ करके आप इसको अलग अलग यूजेस में ले सकते हैं। तो भीम वो अट्रैक्टिव पॉइंट है जो ओजोटेक के वजह ने काफ़ी कमाल का एक प्रोडक्ट बनाया, और इस गाड़ी की पूरी बॉडी जो है वो मेटल से बनी है, तो मजबूती तो ज़बरदस्त ही होने वाली है। नाउ कम्स टू द 4th नंबर। दोस्तों, 4th नंबर पे चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप एवेंटोस। एवेंटोस ने जो गाड़ी बनाई है S110, कमाल की गाड़ी है। इट्स काइंड ऑफ मोटरसाइकिल जिसमें आप स्कूटर की फील भी ले सकते हैं, और साथ ही स्पेस इतना है कि ये एक अट्रैक्शन पॉइंट तो बनता ही बनता है। चलिए इसके को फाउंडर एंड डायरेक्टर गायत्री सोनी से जानते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में। थैंक यू विलास, निखिल एंड गीत फॉर एन अमेजिंग ओवरव्यू ऑफ S110। आई विल गिव सम क्विक हाइलाइट्स अबाउट S110। S110 comes with 3 kilowatt mid-mounted motor which gives 150 Nm torque. It comes with a portable battery which gives 100 km range per charge in normal real world. S110 is priced at 85,000 including FAME subsidy. Now comes to the number 3. Dosto, third number pe ek bahut hi unique type ke startup hai. iGoWise ki jo Trigo aur BiGo X4, ये 2 मॉडल इनके मार्केट में अवेलेबल है। BiGo X4 मेरे को बहुत ही अट्रैक्टिव एक स्टार्टअप लगी। दोस्तों, इस गाड़ी में 2 नहीं 3 चक्के हैं, तो एक तरीके से ये सेल्फ बैलेंसिंग गाड़ी है, और उनके लिए बहुत अच्छी है जिनको बैलेंसिंग की बहुत प्रॉब्लम है। एट अ सेम टाइम 3 चक्के होने के बाद भी ये बहुत कॉम्पैक्ट है। तो ये है दोस्तों BiGo कंपनी का BiGo X4। बिफोर कमिंग टू द 2nd नंबर, बहुत सारी और भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली कंपनी हैं जो मेरे को आई इस क्रम में सामने, चाहे वो लाइगर हो, लाइगर का सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर भी आने वाला है, जिप इलेक्ट्रिक भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन थी इस टॉप 5 में, बट देन लाइगर जो है वो अभी मार्केट में आया नहीं है, और जिप का जो मेन फोकस है वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर नहीं है, उनका लॉजिस्टिक पे, तो इसीलिए वो साइड आउट हो गई। Now come to the 2nd number. 2nd number पे SUV in electric scooter River की Indy।
बैंगलोर बेस्ड इस स्टार्टअप ने क्या कमाल की गाड़ी बनाई है। इसको इस सीरीज में रखने का मेरा मेन पर्पस भी ये है कि ऐसा नहीं है कि कोई परफॉर्मिंग स्कूटर आप ले रहे हैं तो उसमें आपको स्पेस से या उसके परफॉर्मेंस से कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं। इस व्हीकल में 12 लीटर फ्रंट में स्पेस है, 43 लीटर का बूट स्पेस है। इस स्कूटर में जब आप इसके सारे अटैचमेंट को लगा देते हैं तब तो भाई साहब ये पूरा एसयूवी ही बन जाती है। दोस्तों, इसकी गाड़ी के स्पेसिफिकेशन बताने के लिए उस इंसान से बेटर कौन हो सकता है जिसने इस गाड़ी को बनाई है। दोस्तों, चलिए अरविंद मानी, को फाउंडर एंड सीईओ रिवर इलेक्ट्रिक से जानते हैं इस गाड़ी के स्पेसिफिकेशन के बारे में। Now let's talk about some important details of Indy. The unique combination of design elements and technical specs give Indy a distinct character. Something that inspires you to do more and be more. It starts with the commanding ride position that the 14-inch wheels offer. The front and back disc brakes provide uncompromising safety on any road condition. Indy will set the benchmark for the industry in utility and comfort with the largest storage, pannier stays, wide floorboards, front foot pegs and dual rear suspension. It packs a punch with a top speed of 90 km per hour with an acceleration of 0 to 40 in just 3.9 seconds. You can go the extra mile with a range of 150 km powered by the large 4 kWh battery pack. The bright 6-inch color display, reverse parking assist, USB ports and all the other great features are designed to offer the perfect mix of practicality, capability and style, making Indy truly worthy of the title SUV of scooters. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर वन पे दोस्तों एक बहुत ही मजेदार स्टार्टअप है। इस स्टार्टअप को आप लोग जानते भी होंगे, चलो मैं हिंट देता हूं, शार्क टैंक में ये स्टार्टअप आया था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं रीवैम्प मोटो की। रीवैम्प मोटो की जो मोटरसाइकिल है, स्पेशली रीवैम्प मित्रा, कमाल की मल्टी यूटिलिटी इलेक्ट्रिक स्कूटर है। दोस्तों, इस स्कूटर का शार्क टैंक में भी जब ये आया था तो इफ़ यू रिमेंबर कि सारे के सारे शार्क जो हैं इसमें इन्वेस्ट करने के लिए भाई साहब लिटरली मार करने लगे। क्यों? क्योंकि इसके यूजेस बहुत ज़्यादा हैं। इसके जो यूजेस हैं इसकी वजह से इस गाड़ी का बिकना तो तय ही है। इनके स्पेशल अटैचमेंट्स हों, चाहे वो फेरी वालों के लिए फोल्डिंग टेबल हो, डिलीवरी के लिए बास्केट हो या रेफ्रिजरेटर जो गाड़ी के पावर से ही चलता हो, सब बहुत ही यूजफुल और कमाल के। तो दोस्तों, ये था छोटे बजट का बड़ा धमाका, टॉप 5 लो बजट मल्टीपर्पस इलेक्ट्रिक स्कूटर स्टार्टअप इन इंडिया। इस वीडियो का पर्पस यही था कि कम रिसोर्स इनको हमारे आपके जानकारी तक पहुंचने में कोई परेशानी ना बने। आप इन्हें देखें, समझें और अगर इनके प्रोडक्ट और सर्विसेज में आपको दम लगे तो इन्हें परचेज करें। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि इसी तरीके की वीडियोस इस चैनल पर आपको मिलते रहते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।